हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। ऑलवेज फॉलो प्रिकॉशंस फॉर योर सेफ्टी। आई एम अक्षय शर्मा एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटीज एंड लर्न अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एंड नाउ we discuss about the trends for ionization enthalpies shown by these elements. जैसा कि आप जानते ही होंगे, ionization enthalpy या ionization energy उस energy को बोलते हैं जिससे हम outermost shell से एक electron को orbital से बाहर की तरफ निकालते हैं, atom से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं ionization enthalpy। और जो transition elements हैं उनकी ionization potential की value S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है। और जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो जो वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिकली वो 500 किलो जूल से लेकर के 1000 किलो जूल तक वेरी करती हैं। सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने पीछे समझा था, एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो जो सिमिलर साइज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। यानी ये दोनों सीरीज़ के एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ शो करते हैं। अगर कंपेयर करें तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की आयनाइजेशन वैल्यूज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की आयनाइजेशन वैल्यूज़ से कम होती है, लेकिन जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उस पूरी सीरीज़ की जो कंपेरेबल आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ हैं वो हायर हैं दैन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। ऐसा होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड सीरीज़ में लेंथेनम को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल के अंदर अच्छे से फिक्स हैं और वो न्यूक्लियर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी देन सेकेंड ग्रुप एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। और अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो एक डिसकंटिन्यूटी का ट्रेंड होता है टेक्नीशियम और रुदीनियम के बीच में, जो कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं, और ओस्मियम और जो एलिमेंट है रेनियम जिसका सिंबल आर ई होता है वो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनकी वैल्यूज़ अदर जो एलिमेंट्स हैं अपने सीरीज़ के अंदर उनसे डिफरेंट वैल्यू होती हैं, लिटिल बिट हायर होती हैं। ऐसा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड डी सबशेल। जैसा कि हम इस टेबल के अंदर देख सकते हैं, तीनों सीरीज़ की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है यानी कि पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलना होगा उसकी कंपैरिजन है। तो जो थर्ड सीरीज़ है लेंथेनम वाली जो कि ग्रीन लाइन से शो कर रखा है, लेंथेनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है और वो एकदम से रैपिड इंक्रीज़ करती है, और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर अब हम कंपेयर करें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर पर्टिकुलरली सेकंड ग्रुप की बात करें यट्रियम वाले ग्रुप की, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यू में ये ट्रेंड शो होगा। ऑलवेज फर्स्ट एंथैल्पी से ज़्यादा होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एलिमेंट पर क्या आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज और रिमूवल किसका करना है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे एक दूसरे के लिए, इसीलिए जितनी एनर्जी निकालनी होगी यानी कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा और मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सफिशियंटली हायर है देन सेकेंड एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मैंने पहले ही बताया कि ये एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। जैसा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने समझा था, जो मैंगनीस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है अप टू प्लस सेवन। इसी तरह से जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का पिरामिड बनेगा, पिरामिड एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग एलिमेंट की शो करने के लिए एक पैटर्न होता है
जो कि एक पिरामिड की शेप ले लेता है। तो वो पिरामिड सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए आइडेंटिकल नहीं होगा, इररेगुलरिटीज़ शो करता है। बल्कि अगर आयरन फैमिली की बात करें, यानी कि जो आयरन का ग्रुप होगा, आयरन उसके नीचे होता है ओस्मियम और उसके नीचे होता है रुदीनियम, तो जो ओस्मियम और रुदीनियम है वो प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं अंडर द कंपाउंड ऑफ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड रुदीनियम टेट्राऑक्साइड। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट जो रीनियम है वो वाइडेस्ट रेंज शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, -3 से लेकर के +7 तक। इसकी इस रेंज के अंदर बहुत सारी अलग अलग स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और ये फिगर के अंदर हम देख सकते हैं पिरामिड शो कर रखा है तीनों सीरीज़ के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसका पिरामिड एक अरेंज है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पर अरेंज है, और जो मैंगनीज है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो कि रेड डॉटेड लाइन से शो हुआ हुआ है। पर अगर हम बात करें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में, ये जो पिरामिड है वो थोड़ा डिस्टोर्टेड हो जाता है, बीच में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स गायब हैं। टेक्नीशियम के बाद जो एलिमेंट है रुदीनियम, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में। और अगर आप बात करें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर, उसका पिरामिड में काफ़ी इररेगुलरिटी शो करता है। जो लास्ट का एलिमेंट है मरकरी, वो +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पर जो मिडिल एलिमेंट्स हैं ओस्मियम और टंगस्टन, ये वेरिएबल और वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का पिरामिड बनता है वो एक रेगुलर पैटर्न पर बेस्ड होता है, पर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। इस टेबल में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अलग अलग एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो स्टेबल हैं वो शो कर रखी हैं, और साथ ही ब्रैकेट्स जहाँ लगे हुए हैं उसका मतलब है कि वे ऑक्सीडेशन स्टेट्स अनस्टेबल हैं, काफ़ी स्टेबल नहीं है। जैसा कि टेक्नीशियम पर देख सकते हैं, उसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +4, बल्कि इसके अलावा +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है ये एलिमेंट, पर वो स्टेबल नहीं होती। और लास्ट में अगर चले सिल्वर, +1 +2 दोनों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, और +3 ये शो करता है काफ़ी रेयर कंडीशन में, और जो कैडमियम है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो एलिमेंट रहा रुदीनियम, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, जिसमें +7 और +8 अनस्टेबल होती हैं, यानी कि लेस स्टेबल होती हैं, या फिर हम बहुत कम या रेयरली देखने के लिए मिलती हैं। और ये टेबल दे रखी है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। यहाँ पर याद रखने की बात है, लेंथेनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 रहेगी, सिर्फ एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है लेंथेनम। इसके अलावा जो टंगस्टन है +4 +5 +6 ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और +2 +3 ये लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके लिए हैं। और जो एलिमेंट है रीनियम, वो इस ग्रुप का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है। और यहाँ पर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि रुदीनियम के बाद ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो शो करने की वेरिएबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। और जो प्लेटिनम और गोल्ड हैं वो ऑलमोस्ट नोबल या फिर इनर्ट एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। जो गोल्ड है AU, वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो लास्ट एलिमेंट है मरकरी, वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अगर Hg1 पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं मरकरस आयन, और अगर Hg2 पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे मरकरिक आयन। इन दोनों सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो स्टेबल हैं, वो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में सबसे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा इन टेबल में हम देख सकते हैं वेरियस हैलाइड्स या ऑक्साइड्स बने हुए हैं इन एलिमेंट्स के, +2 +3 +4 +5 ये लिखी हुई हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये साइड में लिखे हुए हैं एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट ऑक्साइड या हैलाइड्स की फॉर्म में जो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा और कंपाउंड बनाएगा, उसका सारा चार्ट है। जो नियोबियम है उसके अंदर अगर देखें
तो प्लस थ्री में भी बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इसके अलावा जो मोलिब्डेनम है वो भी, और सिल्वर जो है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर फ्लोराइड, इसी कंपाउंड में बस इसकी जो मतलब रेंज है कंपाउंड बनाने की वो लिमिटेड है। इसके अलावा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं प्लस सिक्स और प्लस सेवन, उसमें देख लेते हैं जो टेक्नीशियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी प्लस सिक्स और प्लस सेवन लेस स्टेबल हैं, यानी कि बहुत कम देखने को मिलती हैं। प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट कब देखने को मिलती है? टेक्नीशियम हेप्टाऑक्साइड में, Tc2O7 कंपाउंड में। और प्लस सिक्स कब? टेक्नीशियम हेक्साफ्लोराइड, TcF6। इस तरीके से जो पैलेडियम और सिल्वर हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करते हैं। इसी तरह से ये चार्ट दे रखा है थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए ऑक्साइड्स और हैलाइड्स में, टू शो देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन वेरियस कंपाउंड्स। अगर टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव सब में एग्जिस्ट करता है स्टेबल कंपाउंड की तरह। प्लस फाइव में बना लेता है वो WF5 कंपाउंड। ऐसी प्लस फोर स्टेट में होता है टंगस्टन क्लोराइड, टंगस्टन टेट्राक्लोराइड WCl3। और इसके अलावा जो टंगस्टन का अगला कंपाउंड है रेनियम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इस सीरीज़ के अंदर, वो भी वेरिएबल कंपाउंड्स बना लेता है। और जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं गोल्ड और मरकरी, गोल्ड जो है वो प्लस थ्री में सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है हैलाइड्स और ऑक्साइड्स में, और मरकरी जो है प्लस टू और प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर कंपाउंड बना लेता है। और इस टेबल से हम देख सकते हैं ओस्मियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस एट तक थी, और यहाँ पर कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं ओस्मियम जो है प्लस सेवन, प्लस सिक्स और प्लस एट में भी कंपाउंड बना लेता है। इसीलिए जो ओस्मियम है वो कंपाउंड क्या करता है? मैक्सिमम प्लस एट तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। सो आई होप आपको ये सारे कंपाउंड्स देख करके क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड कौन कंपाउंड है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कौन सा कंपाउंड है जो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। अब अगर बात करें इन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसकी, तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो मिनरल एसिड्स हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ अगर इनको रिएक्टिविटी करवाई जाए तो हाइड्रोजन लिब्रेट कर देते हैं, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन कर लेंगे। और कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जिसको हम इनर्ट या नोबल भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्लेटिनम हो, गोल्ड हो और पैलेडियम हो, इनको हम काफ़ी यूज़ करते हैं एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। यहाँ समझने की बात यह है कि जो लो रिएक्टिविटी है वो क्यों है। इसके रीजंस हैं हाई एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, हाई आयनेशन एनर्जीज एंड लो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। ये तीन फैक्टर हैं उन एलिमेंट्स के लिए, प्लेटिनम टाइप एलिमेंट्स के लिए, कि वो इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। और जो टेंडेंसी है नोबल कैरेक्टर या इनर्ट कैरेक्टर शो करने की, वो प्लेटिनम मेटल्स में ज़्यादा है, जैसे रोडियम, पैलेडियम, रुदीनियम, प्लेटिनम, इरिडियम, ओस्मियम और गोल्ड। इसी वजह से इन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने में या फिर ऐसे यूटेंसिल्स बनाने में, ताकि जिसको हम हर कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, मॉइस्चराइज़र, इन कंडीशंस में यूज़ कर सकें, ताकि इन पर कोई भी कोरोजन या कोई भी निगेटिव इफेक्ट ना हो। अब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें इन दोनों सीरीज़ के एलिमेंट्स की, तो ये हैवियर एलिमेंट्स लो स्पिन कंपाउंड्स बनाते हैं। दो तरीके कंपाउंड बनते हैं डीब्लॉक एलिमेंट से, एक हाई स्पिन कंपाउंड्स और लो स्पिन कंपाउंड्स। हाई स्पिन कंपाउंड्स होते थे जो कंबाइन कर देते हैं लिगेंड के एलिमेंट को, और लो स्पिन एलिमेंट्स जो कंबाइन नहीं करते। और इनका जो रीज़न है लो स्पिन कंपाउंड बनाने का, वो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो जनरली केस होता है वो ये है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिससे कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर किसी एलिमेंट के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कंपाउंड ज़्यादातर डायमैग्नेटिक कंपाउंड बन जाता है। और जो एलिमेंट्स हैं 4D और 5D सीरीज़ के, वो प्रिफर करते हैं लॉन्गर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होती है जो डी ऑर्बिटल T2G और EG ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है,
दो ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाता है उसके लिए जो है लोंगर स्प्लिटिंग फॉलो करते हैं। लोंगर स्प्लिटिंग का फ़ायदा क्या होगा, जो इन डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके अंदर गैप ज़्यादा रहेगा और आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम रहेगा, जिससे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें थोड़ी सी वीकनिंग आती है, कमी आती है। तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बिहेवियर इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन, रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।